हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? और आज के इस यूट्यूब चैनल स्वीट एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो हमारे जितने भी आज छात्रा जो मौजूद हैं वह टेस्ट देने के लिए उपलब्ध हैं, और उनसे हम बारी बारी से आज आपको परिचय कराएंगे। और ये जो क्लास जो चल रहा है फिजिक्स का चल रहा है, और ये फिजिक्स का टेस्ट है, और जो चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट। तो चलते हैं, सबसे पहले छात्रा से मुलाकात करते हैं कि इस चैप्टर में वह कितना जबरदस्त तैयारी किया है, उसके बारे में उससे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इनका जानेंगे क्या नाम है। अंजलि कुमार। और आप कहाँ से आती हैं पढ़ने के लिए? हम कबीरपार से आते हैं पढ़ने के लिए। आप इतने दूर से पढ़ने के लिए आते हैं, आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य इस यह है कि यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होता है और यहाँ शांतिपूर्वक पढ़ाई होता है, इसलिए हम वहाँ से पढ़ने के लिए आते हैं। अच्छा अच्छा तो आप जो ये क्या चल रहा है? ये फिजिक्स चल रहा है। फिजिक्स में वैद्युत धारा एवं वैद्युत परिपथ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर के बारे में आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जी हाँ। तो आप सबसे पहले बताइए, जो इस चैप्टर का जो नाम जो है इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आप क्या जानते हैं? इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम यह जानते हैं कि किसी चालक में एकांक समय में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे वैद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अच्छा अच्छा तो उसके बाद हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, परिपथ के बारे में क्या जानते हैं? वैद्युत परिपथ के बारे में हम यह जानते हैं कि वैद्युत परिपथ जिस रास्ते से वैद्युत आवेश गुजरता है उसे वैद्युत परिपथ कहते हैं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपने देखा कि जो ये जो क्लास 12 की छात्रा है, और ये जो है 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर और यहाँ ये नरपलिया बाजार शंकर खाद बीज के बगल में यह जो संस्था है और वहाँ पर ये पढ़ने के लिए आती इतने दूर से, क्योंकि इनके आसपास भी बहुत सारे कोचिंग हैं। तो चलते हैं अगले उनका सबसे पहले जानते हैं, नाम क्या है? मेरा नाम सोनी कुमारी है। और इस चैप्टर के बारे में जो कौन सा चैप्टर चल रहा है? विद्युत धारा विद्युत परिपथ। तो इस चैप्टर के बारे में आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछे, आप बताएंगे? हाँ बताएंगे। तो सबसे पहले ये बताइए कि मुक्त इलेक्ट्रॉन किसको कहा जाता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन ठोस चालक कॉपर सिल्वर एल्युमिनियम धातु कचबारी कक्षा में स्थिर संयोजी इलेक्ट्रॉन दुर्बलता से बंधे होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन जिसमें संपूर्ण चालक गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन का मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आपने यह देखा कि जो है ये क्लास फिजिक्स का टेस्ट चल रहा है, और इसमें ये जो है बहुत बेहतरीन ढंग से उसके बारे में ये बताएं। तो अगले छात्रा के पास हम चलते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि यह जो चैप्टर जो चल रहा है आप उसके बारे में क्या क्या जानते हैं। तो सबसे पहले उनका नाम पूछेंगे, उनका नाम क्या है? मेरा नाम खुशी कुमारी है। तो कौन सा चैप्टर चल रहा है? वैद्युत धारा एवं वैद्युत परिपथ। आप कहाँ से पढ़ने के लिए आती हैं? लक्ष्मीपुर। अच्छा, आपको पढ़ाई का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा और बेहतरीन ढंग से पढ़ाई होता है, यहाँ शांतिपूर्वक माहौल है, इसीलिए हम लोग उतना दूर से आते हैं पढ़ने। तो ये आपसे जानेंगे कि कौन सा ये चैप्टर जो चल रहा है वैद्युत धारा और वैद्युत परिपथ चल रहा है, ठीक? तो आप इस चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं? जी। तो थोड़ा देखकर बताइए। तो आवेश वाहक सूक्ष्म कण वाले पदार्थ गतिशीलता के कारण पदार्थों में उत्पन्न वैद्युत धारा को आवेश वाहक कण कहते हैं। और इस चैप्टर में और क्या पढ़ रहा है? वैद्युत धारा। वैद्युत धारा किसको कहा जाता है? किसी चालक के तल से एकांक समय में प्रवाह आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। तो इसके बाद हम अगले छात्रा के पास चलते हैं और चैप्टर 5 जो फिजिक्स का है, और उस चैप्टर में हम अगले छात्र से हम बात करेंगे कि वह जो चैप्टर में वह कितना तैयारी की हुई है,
और चलते हैं उसके सबसे पहले उनका नाम जानेंगे, उसका नाम क्या जी? आप नाम बताइए। मेरा नाम है खुशबू कुमारी। आप कहाँ से पढ़ने के लिए आती हैं? कबीरपार से आते हैं। आपका पढ़ने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और शांति पूर्वक होता है, इसीलिए हम यहाँ आते हैं। और इस चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत धारा एवं वैद्युत परिवर्तन। इस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं? यस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। तो चलते हैं, अपने मन से ही बताइए इस चैप्टर में आप क्या जानते हैं? सुचालक के बारे में जानते हैं और आवेश वाहक के बारे में जानते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो चलिए, तो थोड़ा सुचालक का डिफिनेशन बता दीजिए, परिभाषा थोड़ा बता दीजिए। पदार्थ जिसमें आसानी से आवेश प्रवाहित हो जाता है उसे सुचालक कहते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चलते हैं अगले स्टूडेंट के पास और उनसे हम बात करते हैं कि वह जो है अपने बिहार बोर्ड के लिए कितने अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है, वो आज हम जानेंगे। और यह आज टेस्ट का क्लास चल रहा है, आज टेस्ट में हम उनसे पूछेंगे, जो टेस्ट क्लास फिजिक्स का है और इस फिजिक्स में आज इनसे चैप्टर 5 के बारे में कुछ पूछेंगे कि आप उस चैप्टर के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले पहले इनका नाम जानते हैं, इनका नाम क्या है? मेरा नाम रविता कुमारी है। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? कबीरपार से। अच्छा, ये कोचिंग का नाम क्या है? स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर। और ये कहाँ पर यह जो है यह स्थापित हुआ है? नरपलिये बाजार। तो आप को सबसे पहले ये बताना होगा कि जो चैप्टर वो चल रहा है उसके बारे में कितने अच्छी तरीके से तैयारी की है। तो आपसे पहले मैं आपको तो आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? अच्छा अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि गैस जो होता है, गैस तो पता है कि विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यह भी जानते हैं कि जो गैस जो होता है विद्युत का सुचालक भी होता है। तो विद्युत का सुचालक कैसे होता है, तो आप उसके बारे में बताएं। गैस विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जब इस पर अत्यल्प दाब पर उच्च विभवांतर आरोपित किया जाता है तो ये गैसें आयनीकृत हो जाती है और इनमें वैद्युत प्रवाह होने लगता है। बहुत अच्छा, बहुत। तो इसके तो आज यहीं पर हम ये अपने क्लास को स्टॉप करते हैं और अगले टेस्ट में फिर अपने स्टूडेंट के साथ फिर बातचीत करेंगे। तो चलते हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें।